लखीमपुर खीरी तो आपको याद ही होगा। पिछले किसान आंदोलन में किस तरीके से नशे में धुत मंत्री के एक बेटे ने किसानों को अपनी कार से रौंद दिया था। और एक बार फिर से जो किसान आंदोलन शुरुआत हो चुकी है, किसान आंदोलन की एक बार फिर से जो है लखीमपुर खीरी चर्चे में आ गया है। पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों लखीमपुर खीरी फिर से चर्चे में आ गया है। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। लखीमपुर खीरी का मामला तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से किसान जो है वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे भाजपा सरकार के सामने। तो वहीं पर अजय मिश्रा के बेटे जो आशीष मिश्रा हैं, उन्होंने एक जो किसान थे, जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अपनी कार से रौंद दिया था और नशे में धुत होके मंत्री पद की उनका जो उनके जो पिता है वो मंत्री पद पर हैं, ये सोच के कि उनको जेल नहीं होगी, तो वहीं पर जो है किसानों को अपनी कार से रौंद दिया गया था। ये मामला जो है पिछले किसान आंदोलन का हम बता रहे हैं। और इस बार फिर से ये चर्चे में क्यों है, क्योंकि जो आशीष मिश्रा टैनी के पिता जो आरोपी हैं आशीष मिश्रा टैनी, जिन्होंने किसानों को अपनी कार से रौंद दिया था, उन्हीं के पिता अजय मिश्रा टैनी को फिर से एक बार टिकट देने का जो है फैसला ले लिया गया है। उनको सदन तक भाजपा सरकार एक बार फिर से पहुंचा रही है, ये ना सोचते हुए कि उनके बेटे ने किस तरीके से अपनी कार से किसानों को रौंद दिया था, जहां पर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे, वहीं पर लखीमपुर खीरी में उनको टिकट देने का फैसला भाजपा सरकार ने ले लिया है। और इसके बाद जो है किसानों में बहुत ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। जहां पे हम आपको बता दें, जहां पे किसान जो है जो अपनी मांगे रख रहे हैं, उसमें एक मांग ये भी है कि जो लखीमपुर खीरी में जो पिछले किसान आंदोलन में हादसा हुआ था, उसमें इन्हीं के ऊपर, आशीष मिश्रा टैनी के ऊपर कार्रवाई की जाए, जो कि अभी तक नहीं की गई है। उनको अभी तक जो है जेल में नहीं डाला गया और उन्हीं के पिता अजय मिश्रा को टिकट देने का फैसला भाजपा सरकार ने ले लिया है। तो इसी को लेके जो आक्रोश दिख रहा है किसानों में, लगातार वो बोल रहे हैं कि हम अपना जो हक है वो लेके रहेंगे और जो लखीमपुर खीरी का मामला है इसमें भी हम उनके ऊपर कार्रवाई करा के रहेंगे और जेल तक भेजते रहेंगे। तो इसी पे लगातार जो किसान हैं, जो लोग हैं, इस पे अपनी जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो एक्स पर जो है पोस्ट करके लिख रहे हैं। श्वेता लिखती है कि अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी से दोबारा भाजपा ने टिकट देकर जो किसान मजदूर का मजाक उड़ाया है वो भुलाने लायक नहीं। जो सरकार खुद को किसान मजदूर हितैषी बता रही है, वो किसानों का कत्ल करने वालों को पुरस्कार दे रही है। इनकी कथनी कुछ करनी कुछ, वो सीधे तौर पर ये बोल रही है। जहां पे भाजपा सरकार जो है किसानों को हितैषी बताती है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो उन्हीं को संसद तक पहुंचाने का काम कर रही है, उन्हीं को जो है जो आरोपी उनका बेटा है उन्हीं को टिकट दे रही है। वहीं जो किसान जो है गुस्से में भी यही कह रहे हैं कि जो हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जो हमारी मांगों में एक ये भी मांग है कि जो लखीमपुर खीरी का मामला है उस पर कार्रवाई की जाए, कि किस तरीके से अपनी कार से वो जो उनका बेटा है रौंद देता है उनको और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिवम यादव इस पे लिखते हैं, भाजपा ने लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र से किसानों पर थार चढ़ाकर कुचलने वाले हत्यारे के पिता अजय मिश्रा टैनी को सांसदी का टिकट दिया है। क्या बीजेपी किसानों के हथियारों के सम्मान में भाजपा मैदान में ये नारा बुलंद करेगी? उसके बाद आईपी सिंह लिखते हैं, किसान नेता श्री सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि आज लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के किसानों का हृदय दुखी कर दिया है, जिसका बदला किसान देश भर में बीजेपी को हरा कर लेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। मतलब जहां पे भाजपा सरकार ये बोल रही है कि हमारे साथ बैठकें कीजिए, बैठकों के बाद ही फैसला लिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि उन्हीं के जो हथियारे हैं, उन्हीं के हथियारे के पिता को वो टिकट दे रही है। क्या दोबारा ये जो मामला है दोहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हीं को टिकट देना ये कहां तक सही है? क्या दोबारा ये सब चीजें जब दोहराई जाएंगी तब किसानों को कितना बुरा लगेगा? तभी वो इस पे आक्रोश दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हम जो है सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और सरकार जो है वहीं पे बैठे बैठे ये चीज कर रही है। किसानों के हित में फैसला लेने वाली सरकार किस तरीके से जो है किसानों के खिलाफ चली गई, ये चीजें आपको जाहिर तौर पर देखने को मिल ही जाएंगी।
सिर्फ और सिर्फ करनी में और कथनी में बहुत फर्क होता है, सिर्फ किताबों में लिख देने से कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के लिए समर्पित सरकार हैं, वहीं जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो किसानों के लिए किस तरीके से चीजें करी जा रही हैं, ये आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद इसमें हिम्मत सिंह लिखते हैं कि लखीमपुर खीरी में किसानों को नरसंहार का दोषी अजय मिश्रा टेनी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के किसानों का हृदय दुखी किया है। लखीमपुर खीरी कांड के दोषी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा षड्यंत्र से किसानों को गाड़ी से कुचलकर मरवा दिया गया। अजय मिश्रा टेनी धारा 120 बी का मुलजिम है और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। आज तक अजय मिश्रा टेनी के गिरफ्तार नहीं किया, बाहर घूम रहा है। अजय मिश्रा टेनी को टिकट देकर भाजपा ने देश के किसानों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। भाजपा पार्टी 2020 का किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर भूल चुकी है। इसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने किसानों के सामने आकर माफी मांगी थी। देखिए ये वीडियो कैसे लखीमपुर खीरे में किसानों का नरसंहार किया गया था। ये वीडियो है जो हम आपको नहीं दिखा सकते, इस वीडियो में आप इसके जो इनके जो एक्स अकाउंट है उस पर जाके हम देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार राजनीति कर रही है कि अगर आप भाजपा सरकार के कोई भी नेता है, अगर उनके साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की ही नहीं जाएगी, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आप विपक्षी पार्टी में है, आप विपक्ष के ओर से कुछ कर रहे हैं तो आपको लगातार जेल भेजा जाएगा, ना कुछ होने पर भी आपको जेल भेज दिया जाएगा। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो किस तरीके से चीजें करते हैं उसके बाद भी कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन जेल अभी तक उन्हें नहीं भेजा जाता है। इसमें अमरेंद्र खलीवली लिखते हैं कि मेरा इतिहास आप जानते हैं कि जानते ही हैं। कहकर अपने बेटे से किसानों पर थार चढ़ाने वाले अजय मिश्रा टेनी 3 साल तक पूरे देश के किसानों की दुखती आत्मा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना रहा, किसानों को कुत्ता कहता रहा, अब भी बीजेपी को वोट कर पाएंगे अपने छोटे मोटे लोकल। लखीमपुर खीरी का मामला अगर आपको याद ही होगा, अगर आपको दोबारा याद दिलाए तो किस तरीके से वहां पे किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी गई थी, तो इसी को लेके जो किसान जो है आक्रोश में है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है कि 6 मार्च को किसान दोबारा जो है दिल्ली कूच करेंगे, बस ट्रेन से दिल्ली पहुंचेंगे किसान। 10 मार्च को देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान, 12 बजे से 4 बजे पटरियों पर बैठेंगे किसान। किसानों के ऐलान को लेकर दिल्ली एनसीआर में बढ़ाई गई सुरक्षा। एक बार फिर से जो है किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का उन्होंने फैसला ले लिया है। लगातार किसान जो है दोबारा दिल्ली कूच करने के लिए निकल चुके हैं और इस बार जो है रेल रोको आंदोलन भी उन्होंने कहा है कि हम शुरू कर देंगे। और इसी को लेके जो दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिगेटिंग दोबारा जो है सख्त तरीके से बैरिगेटिंग कर दी गई है। इसके ऊपर News24 लिखता है कि 10 मार्च को किसान करेंगे ट्रेन रोको प्रदर्शन, ट्रेन और बसों से दिल्ली कूच, रेल रोकने का ये प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। ये किसान जो है अब ये बोल बोल के थक चुके हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, क्योंकि भाजपा सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं हो रही। किसानों के साथ किस तरीके से चीजें कर रही है वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और उसके बाद अब जो है किसानों ने ये फैसला लिया है कि वे रेल रोको प्रदर्शन जो है अब करेंगे 10 मार्च को सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक, तो है वो ये अपना पूरा प्रदर्शन जारी रखेंगे। उसके बाद इस पे आप हरियाणा लिखता है कि परिवार से प्रेम का ये कैसा ढोंग है मोदी जी, क्या देश का अन्नदाता आपके परिवार में शामिल नहीं है। और एक तस्वीर जारी करके उन्होंने लिखा है कि जब मैं हूं मोदी का परिवार तो क्यों मुझसे ऐसा व्यवहार। उसमें किसान जो है उसमें दिख रहा है, उसमें साफ साफ लिख रहे हैं कि जब मैं हूं मोदी का परिवार तो क्यों मुझसे ऐसा व्यवहार। तो जो ये लगातार जो भाजपा सरकार के जो नेता है वो मोदी का परिवार लिख के अपने अकाउंट के सामने ये चीजें तो लिख रहे हैं, क्या मोदी के परिवार में किसान नहीं आते, क्या मोदी के परिवार में महिलाएं नहीं आती, क्या मोदी के परिवार में बाकी लोग जो रोजगार की मांग कर रहे हैं क्या वो नहीं आते हैं। ये चीजें सिर्फ कथनी और करनी में, दोबारा बोल रही हूं, कथनी और करनी में फर्क होता है कि वो कह तो देते हैं मोदी का परिवार, लेकिन शायद जो है मोदी किसानों को अपना परिवार नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते होते तो दोबारा जो है चौथी मीटिंग के बाद भी ये आश्वासन नहीं देते कि हम MSP दे देंगे, और अभी तक जो है MSP नहीं दी गई है। उसके बाद जो है ये सब चीजें देखने को मिली जाती है। और उसके बाद जो ये पूरी वीडियो है इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।